लगता है कि बौखलाहट कहाँ है, वो तो स्पष्ट नजर ही आ रहा है। ममता जी हमारी बड़ी बहन की तरह, वो कहें सीपीएम और बीजेपी एक हो गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए हैं, तो दुनिया हंसेगी, लेकिन बड़ी बहन है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तीन विधायक थे, 373 बीजेपी पहुंच गई, कांग्रेस का शासन में पहुंची होंगी। 0 MP से 18 पर पहुंच गए वेस्ट बंगाल में बीजेपी, वो भी कांग्रेस की वजह से ही पहुंची होंगी। खैर ये कह सकते हैं, गोवा में तो सरकार बनाई आई थी दीदी अभी वहां पर, और अभी त्रिपुरा में भी सरकार बनाई है इन्होंने, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को लेकर राज्यसभा भेज दिया। वो किस तरह से काम कर रही है, कौन किसकी बी टीम है, वो पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, तमाम बिल हो, लेकिन ठीक है उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन इतनी एक सीट से मात्र इतनी बौखलाहट, ये हास्यास्पद है बिल्कुल। नया प्लान उन्होंने बनाया है कि साहब वो किसी से अलायंस नहीं करेंगी, वो तो पहले भी नहीं कर रही थी, लेकिन ये सब तमाम टीएमसी के हमारे साथी भूल जाते हैं कि पहली बार जब ममता जी आई थी तो 40 से ज्यादा सीटें थी हमारी कांग्रेस की, और कांग्रेस के साथ मिलकर ही आई थी, और कांग्रेस अगर इतनी बुरी पार्टी थी तो क्यों मिलकर लड़े थे। पिछले चुनाव में भी पूरी तरह से ताकत लगाई गई, कुछ सीटों के तालमेल या कुछ हमारे वहां के जो स्टेट लीडरशिप थी उसकी वजह से अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन टीएमसी तो चाह ही रही थी। कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी है, फिर आप क्यों अलायंस अलायंस करते रहते हैं, मत कीजिए। अब मेघालय में किसने किसकी मदद की है, तमाम आंकड़े उठाकर देख लीजिए आप। बात यह आती है मानक जी कि ये लोग जो हैं ये वास्तव में बीजेपी के साथ, ममता जी ने तो कई इंटरव्यू में कहा है अगर पहला कोई मुझे चॉइस होगा तो वो बीजेपी होगा, बीजेपी जो है मेरे ज्यादा नजदीक है, ये तो इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, और पहले भी अटल जी की सरकार में रह चुकी हैं, वो हमारे यहां भी रही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अलग हुई और जो तमाम गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बीजेपी की मदद करने वाली रही। अब बात आती है एनडीए वर्सेस यूपी, यूपी के आपने घटक दल तमाम गिनाए मानक जी, डीएमके है, एनसीपी है, शिवसेना का एक ग्रुप है, जेएमएम है, जेडीयू है, आरजेडी है, सीपीआई, सीपीएम, पीडीपी, एनसीपी, एनसी, सभी लोग हैं हमारे साथ, 2014 से साथ हैं। लेकिन एनडीए में जब आपने घटक दल बनाए बताए तो उसमें केवल एक दल ऐसा है शिवसेना का जो टूट कर गया है, उसके अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो इनके साथ 2014 से हो। 2014 में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों को लेकर मोदी साहब चले थे, आज वो सब छोड़कर इनको चली गई, चाहे वो जेडीयू हो, दो 2019 में एक बहुत बड़ा चंक बिहार से आया था 38-39 MP का, और चाहे वो शिवसेना हो और चाहे वो अकाली दल हो, तमाम जितने बड़े दल ठीक थे वो है, सब छोड़कर ठीक है, इनको चले गए। ओके। लेकिन आलोक जी, सच्चाई तो ये है ना, ये जो रीजनल प्लेयर हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जो रीजनल प्लेयर है ना आलोक जी, ये जो इंपॉर्टेंट बड़े अहम क्रूशियल इंपॉर्टेंट बड़े बड़े प्लेयर हैं, देखिए चाहे सपा हो, बीजेपी ने सरकार बनाई, बसपा हो उनके साथ सरकार बनाई, बीआरएस ने हमेशा बीजेपी को साथ दिया, आम आदमी पार्टी ने 3 काले कानून सबसे पहले पास किए, टीएमसी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी का साथ दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप बिहार उड़ीसा भूल गए, नवीन पटनायक जी ने तमाम मौकों पर हमेशा बीजेपी का साथ दिया, ये लोग तो यूपीए में है ही नहीं। थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट 1989 के बाद कई बार ट्राई किया देश ने, या तो बीजेपी लीडिंग कोई अलायंस चला है या कांग्रेस लीडिंग अलायंस चला है, और इस बार देखिएगा कि कांग्रेस लीडिंग जो अलायंस है यूपीए, उसमें पूरी तरह से तमाम बड़े घटक दल भी जुड़ेंगे, और सरकार जो है वो कांग्रेस लेड इस बार 2024 में बनेगी। अरे 2009 याद नहीं है मानक जी, आप आलोक जी, तो एक मेरे साथ सेकंड, शो एक सेकंड, करते हैं, आलोक जी, एक सेकंड, नहीं आलोक जी, छोटा सा एक सेकंड रुकिए, एग्जाम्पल देता हूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड 2009 रुकिए, में अरे रुकिए ना एक सेकंड, अरे सपा और आलोक जी, बसपा आलोक जी रुकिए ना एक दोनों सेकंड, अरे अनकंडीशनल। अभी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, सुनिए ना आलोक जी, 3 दिन पहले आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में कह रहे थे कि हमने तो कभी कहा ही नहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस लेड सरकार बनेगी, ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का अलायंस जो होगा उसको कांग्रेस अलायंस को जो है कांग्रेस लीड करेगी, ये बात खड़गे जी ने भी कही, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, हमने एक पीएम की या उसकी नहीं, हम अलायंस की बात कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे और पक्का लीड करेंगे, कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा आएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जहां तक बात बाकी दलों की है, 2009 में कौन कौन से दल थे ऐसे कि जो बिना बुलाए भी हमें समर्थन देने आए थे, हम उनका आज भी धन्यवाद करते हैं कि देश में जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें हैं, अगर उनको रोकने के लिए कोई भी हमारे साथ आएगा तो हम उसके उसका स्वागत अब करेंगे। ममता जी ने तो हमेशा दीदी की सच्चा पार्टी के छोड़कर प्रवक्ता सरकार का बनाई, जवाब भी दे ममता दीजिए, जी ने स्वयं हमेशा पुरोहित कह रहे हैं जमीन पर आप पंचायत चुनाव के लिए आप लेफ्ट के अलावा बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हो गए, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और ये जो सागर दी की सीट आपने जीती बीजेपी के समर्थन से जीती है।
सीपीएम और बीजेपी का अलायंस हो गया, कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस हो गया, तो यह हास्यास्पद है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।